What's up guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब लोग सही सलामत है। तो guys, आज से 8 मार्च 2023 का यानी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। लेकिन guys, मेरे हिसाब से जो आज का ये डे है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये बिल्कुल बेकार यूजलेस डे है, क्योंकि अंग्रेज लोग 1947 में इंडिया को फुल्ली आजाद कर दिया था। लेकिन 1947 से लेके अभी तक यानी 2023 तक इंडिया का वुमेन्स लोगों को आजादी नहीं मिला। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं आज की वीडियो के थ्रू। गाइस, इंडिया का लोग ये विश्वास करता है कि वुमेन्स लोग भगवान का परछाई है यानी शैडो है। लेकिन एक्चुअली में इंडिया के वुमेन्स लोगों के साथ हो क्या रहा है? अगर आप एक लड़की हो तो आपको जजमेंट करने के लिए आपका आस पड़ोस से लेके हर जगह बहुत लोग ठेका लेके बैठा है, क्योंकि आप लड़की हो। आपको क्या ड्रेस पहनना है ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको कंफर्टेबल लगा आपने पहना। और मान लीजिए आप अगर एक लड़की हो, अगर आप घर से निकल के किसी दूसरा एक लड़का से आप बात कर रहे हो, दोस्त हो, भाई हो, कजिन, कोई भी आप बात कर रहे हो, अगर तीसरा पर्सन आपका सोसाइटी से कोई आपको देख लिया, तब तो आप गया, ये लड़की का चक्कर चल रहा है, मतलब कन्फर्म है, जजमेंट डन। अगर आप एक लड़की हो तो आप मान लीजिए आप किसी के साथ अगर लाउडली हंस हंस के बात कर रहे हो, अगर आपका मेल बेस्ट फ्रेंड हो, या तो आप अगर कोई भी वेस्टर्न ड्रेस अगर आप पहना, तो आप संस्कारी नहीं हो। ये हम लोगों का इंडिया का हर एक जगह का हर एक सोसाइटी का नियम है। और तो और आजकल लड़की लोगों को जीने कहा देती है। जन्म होने से पहले कुछ कुछ ऐसा यमराज फैमिली है जिन लोगों को लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है, तो जन्म लेने से पहले वो इनोसेंस को खत्म कर देता है। और वैसे इंडिया में ऐसा भी फैमिली है जिन लोगों को बस लड़का चाहिए, लड़की चाहिए ही नहीं। अगर गलती से उन लोगों के घर में अगर लड़की गलती से भी जन्म ले लिया लड़की हो के, तो इतना छोटा सा बच्चा को क्या करता है ना, कुत्ता का मुंह में फेंक किया जाता है, या तो डस्टबिन में फेंक किया जाता है, या तो कोई ब्रिज के नीचे फेंक किया जाता है। और वही सब लोग जब अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने देता है, तब अपने बारे में बोलता है, पहले मैं एक इंसान हूं, इंसान, आप लोग इंसान का नाम में ना कलंक हो। और वैसे हर एक जगह का हर एक सोसाइटी में लड़की लोगों के लिए ना कुछ कुछ यूजलेस क्राइटेरिया होता है। लड़की अगर रास्ते से पैदल जा रही है तो सलवारी पहन के जाना पड़ेगा, और अगर एक लड़की रास्ते से पैदल जा रही है तो उसको क्या करना है, एकदम अपना सर नीचे की तरह करके अपना डेस्टिनेशन जाना है, ना राइट साइड देख सकते हैं ना लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये सोसाइटी का रूल्स। और अगर कोई भी लड़की ऐसा अतरंगी रूल्स फॉलो कर लेती है तो सोसाइटी के लिए आइडल गर्ल बन जाती है, और अगर कोई लड़की फॉलो नहीं करती है तो पूरा सोसाइटी के लिए जजमेंट गर्ल बन जाती है। अब आप लोग बताइए, इंडिया का लेडीज लोगों के साथ हो क्या रहा है, क्या सच में उन लोगों को फ्रीडम मिला है? और वैसे एक लड़की का शादी हो जाने के बाद ससुराल वालों को एक बहू चाहिए और हस्बैंड को एक वाइफ, लेकिन ससुराल वालों को सिर्फ बहू चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अगर एक लड़की सीता माँ का अवतार है ना, देन एक बात याद रखना, वही लड़की काली माँ का भी अवतार है। और वैसे मेरे हिसाब से ये जो लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव, ये सब बंद होना चाहिए। जमाना बदल रहा है तो लोगों का थिंकिंग भी बदलना चाहिए। और वैसे इंडिया में बहुत ऐसा लड़की है जो लोग अपना फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया का नाम रोशन किया। जिस तरह आजकल लड़का लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह लड़की लोग भी देश का नाम रोशन कर रही है। और वैसे आप आपका बेटा के जैसा बेटी को भी घर से निकाल नहीं दीजिए, सोसाइटी का बात बिल्कुल माथा में मत लीजिए, क्योंकि बेटी आपका है, सोसाइटी का नहीं। आप आपका बेटी को बाहर निकलने दीजिए, बाहर का दुनिया देखने दीजिए, उसका जिंदगी को साबित करने दीजिए। साबित करने के लिए उसको लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाके एक दिन देखिएगा एक बेटा जैसा एक बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। और जो लोग अपना सोसाइटी का कोई भी लड़की को बेवजह जजमेंट करता है ना, उन लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज आप लोगों का मेंटेलिटी जो है ना, प्लीज ग्रो अप कीजिए, क्योंकि अभी 3G का जमाना नहीं रहा, 4G भी जाते जाते चला ही गया, अभी 5G आ गया, तो 5G का जमाना है, 5G की तरह चला कीजिए। 3G 2G का मेंटेलिटी लेके ना अभी मत चलिए, अगर ऐसा चलना है ना, कृपया करके टाइम निकाल के ना मर जाइए आप लोग, क्योंकि धरती का बोझ है आप लोग। एक लड़का को जितना जीने का जितना करने का हक है ना, उतना एक लड़की का भी है, ठीक है? आप आज जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिसको आप बेवजह जजमेंट कर रहे हैं ना, कल के दिन में देखिएगा आपका बेटी के साथ या आपका बहन के साथ भी कोई और करेगा। तो खुद सुधर जाइए, दुनिया सुधर जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते हमारे देश का सारे वुमेन्स लोगों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, वुमेन्स लोग जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपका नजर में कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन कहीं पे भी मुसीबत में नजर आ रहा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम उस लड़की को या वो वुमेन को वहाँ मदद करना। आपका अपॉर्चुनिटी नहीं उस लड़की को या उस वुमेन को अकेला पाके वहाँ पे बर्बाद करना, क्योंकि एक बात याद रखिएगा,
आपका घर पे भी बेटी है, आपका घर पे भी बहन है। आज आप किसी और का बहन का मजबूरी का, किसी और का बहन का मुसीबत का अपॉर्चुनिटी लेंगे ना, तो कल के दिन में आपका बहन आपका बेटी का अपॉर्चुनिटी कोई और लेगा। आया समझ? तो सुधर जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलता हो किसी नेक्स्ट वीडियो में कई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अहम।